ये गाड़ी है मारुति की अल्टो 800 और किसी ने सर्विस किया, थ्रोटल बॉडी क्लीन करी और तब से इसका आरपीएम रुका ही नहीं भाई, 1800-1900 आरपीएम से नीचे ही नहीं आया। उसने बतेरा कोशिश कर लिया मिस्त्री ने, तो मैंने इस गाड़ी को फाइनली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया है। मैं अभी बता रहा हूँ, पहले मैं गाड़ी को बंद कर ये बोनट बंद कर देता हूँ क्योंकि अभी ले आया हूँ रोड पे ट्राई लेने के लिए और आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए, अभी इसका आरपीएम है देख सकते हैं आप, आ जा भाई इधर, अभी आरपीएम देख सकते हैं 700-600-700 के समथिंग आरपीएम है, ठीक है देख लीजिए 696-700। सबसे पहले ये चीजें जानते हैं कि बहुत सारे लोग घर पे भी ट्राई करते हैं इस चीज को, वो भी फंस जाते हैं घर पे ट्राई करके, और बहुत मैकेनिक भी फंस जाते हैं इसको ट्राई करके, वो स्प्रे मार के या थ्रोटल बॉडी क्लीन करके। देखिए थ्रोटल बॉडी स्प्रे से भी क्लीन कर सकते हैं और खोल के भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मिस्टेकें क्या होती हैं उस पर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा आज की, क्यों फंसती है ये सब गाड़ियां, इसके लिए सिर्फ फोकस करूंगा। तो भी आप सभी को पहले दिल से राम राम, मैं मुकेश चंद्रकोण नोएडा भारत से, और एक ब्लॉग है, इस ब्लॉग पे आपका स्वागत है। ये भैया हैं, इनकी गाड़ी है, हम इनसे पहले बात करते हैं। अच्छा ये गाड़ी आपको कितना दिन पहले काम कराए थे? इसको हो गया करीब करीब 2 हफ्ते के आसपास हो गया। क्या करवाने गए थे? इसकी सर्विस करवाने गए थे और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि पिकअप में मिस्टेक है, तो मैंने बोला यार ऐसे हो सकता है, वैसे तो ज्यादा नहीं था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसको स्प्रे से किया था, ठीक है। स्प्रे करने के बाद जब भैया गाड़ी को घर पे लेके आए तो मैं देखा तो ये आरपीएम इसका बहुत तेज हो रखा है और उसके बाद तेज होता ही गया, मतलब लो नहीं हुआ। दूसरी इसमें दिक्कत ये हो रही थी कि जब मैं एक्सेलेटर छोड़ के फिर थोड़ा सा अगर दबा रहा था तो ये जंप ले रही थी, ठीक है। हाँ जी, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर उनको दिखाया नहीं उस मैकेनिक को? उसके बाद जब मेरे भाई उसको वहां पे लेके गया तो उन्होंने कहा कि भाई इसको सर्विस सेंटर पे ले जाओ और कम से कम इसमें 4-5 हजार का खर्चा है। 4-5 हजार का खर्चा है, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी कम, मैं आपसे कह रुपए लिया हूँ, अभी तो मेरे से ऐसे कोई रुपए तो ले नहीं, अब देखते हैं। मैं भाई इसके 500 रुपए लेता हूँ और 300 रुपए थ्रोटल बॉडी के लेता हूँ, वो तो एक 800 रुपए का समथिंग होगा, समझिए। लेकिन आपको उसने बोला कि सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा? हाँ, हमारे पास तो होगा नहीं। उनने ट्राई वराई नहीं किया, कोशिश नहीं किया? कोशिश सर उनने वो पाइप से निकाला था एक बार और थोड़ा सा वो प्लग सा निकाला था, ठीक है। उसके अलावा और कोई ज्यादा कोशिश नहीं। फिर 1800 से नीचे आरपीएम आ ही नहीं रही थी भाई इस गाड़ी की, और अब देखिए फाइनली जाके आरपीएम यहाँ देख सकते हैं, डेटा चल रहा है, ये आपको दिखा दूं, देख रहे हैं ना डेटा 700-600-700, ये 1800 से नीचे नहीं आ रही थी ये गाड़ी। कभी भी थ्रोटल बॉडी करें, मैं क्यों नहीं दिखाता हूँ हर वीडियो में थ्रोटल बॉडी क्लीन करना, मुझे पता है बहुत सारे लोग ट्राई करने लगते हैं, बहुत मैकेनिक जिनको नहीं पता वो भी ट्राई करने लगते हैं, अक्सर फंस जाते हैं सब गाड़ियों में। तो ये फंसे हुए भैया दूर से आए, कहाँ से आया आप? मैं सर इंदिरापुरम से आया था। अच्छा, वैसे मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, इंदिरापुरम में ऐसे आया था तो फिर मैं वहां से। अच्छा, गाजियाबाद इंदिरापुरम से आया भैया, अभी चलाइए आप गाड़ी को, चलाते हुए भी बात करते हैं। तो अभी गाड़ी कैसी बनी? अभी तो स्मूथ चल रही सर, बढ़िया। आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं? मेरा प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट कर दिया, मिस्टेक कहाँ होती है थोड़ा सा इस पे जिक्र कर लेते। देखिए थ्रोटल बॉडी बहुत सारे लोग क्लीन करते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना अननेसेसरी एक्सलेट कर करके, उल्टा सीधा एक्सलेट कर करके उसको करते हैं और थ्रोटल का कैलिब्रेशन हो जाता है आउट, अननेसेसरी नहीं करके करना है। कई सारे लोग खोलने से भी डरते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, खोलिए, लेकिन टर्मिनल एक निगेटिव निकाल के खोलिए, ठीक है। स्प्रे से कर रहे हैं स्लोली, धीरे 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 कीजिए, बहुत ज्यादा तेज स्प्रे मारेंगे कैलिब्रेशन आउट हो जाएगा। ये थ्रोटल बॉडी का कैलिब्रेशन आउट हो गया था, कितना समय लगा मुझे करने में सर? मुझे नहीं लगता ज्यादा 7 या 8 मिनट, ज्यादा नहीं लगा मुझे सर, इससे ज्यादा नहीं लगा मुझे। 7 से 8 मिनट में मैंने इस गाड़ी को कर दिया, अभी दूसरी गाड़ी में ट्रायल ले रहा था ये, तो इनकी गाड़ी तो बन गई बढ़िया। डरिए मत, लेकिन हर वीडियो को देख के करिए मत, पहले चीज थ्रोटल बॉडी जो देख देख के हम लोग यार देखे ऑनलाइन कर दिए भाई, उसके पीछे वो मैकेनिक कितना भुगतता है। हमारे पास गुड़गांव से एक भैया आए थे, वो भी थ्रोटल बॉडी स्प्रे करवाए थे एक मिस्त्री से और गाड़ी सेट ही नहीं हुई थी। तो हमने क्या है स्कैनर से उसका बायोडाटा, फिर उसका थ्रोटल बॉडी हमने रखा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ अभी, गाड़ी के पीछे भी रखा है मैंने। और कहाँ गया, देखिएगा जरा इधर पीछे से, पीछे हाँ दिखाइए सीट के पीछे। अच्छा उधर दूर चला गया, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। मैंने थ्रोटल बॉडी क्लीन भी किया है इस गाड़ी का, थ्रोटल बॉडी क्लीन किया, इसकी सेटिंग की, रीसेट सेटिंग की, तब जाके बहुत कम समय में हम लोगों को तो आइडिया है कि क्या क्या गलती होती है, लेकिन आप लोगों को, काफी लोगों को पता नहीं होता है ना ये सब चीज का, वीडियो देख के कर तो देते हैं लेकिन वो फंस जाते हैं। तो कभी भी हाई एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा ज्यादा करके मत कीजिए,
ज्यादा हाई एक्सीलरेशन करने से थ्रोटल कैलिब्रेशन आउट होती है। बिना बैटरी के तार खोले थ्रोटल बॉडी खोल लेना, इलेक्ट्रॉनिक कैलिब्रेशन आउट हो जाएगी, या फिर उसकी जो फ्लैप है ना उसको हाथ से दबा दबा के रगड़ रगड़ के ऐसे ब्रश से मारेंगे तो उसका कैलिब्रेशन आउट होने का चांसेस है। हालांकि मैं वीडियो में जो भी थ्रोटल बॉडी के जो वीडियो बनाते हैं चाहे कोई भी हो दिखा तो देते हैं हो गई, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद की जो कहानी होती है ना वो होती है हार्ड। इन्होंने करवा के तो लेके चले आए थे लेकिन अगले दिन प्रॉब्लम उसी टाइम से हुआ था। अगले दिन ना बस कुछ देर बाद जैसे लाए थे, फिर मैं लेने को जब गया तो दो एक घंटे बाद तो इसमें स्टार्ट हो गई प्रॉब्लम। अच्छा, पहले धीरे धीरे फिर वो बढ़ती गई मतलब वो बिल्कुल। तो प्रॉब्लम तुरंत तो ऐसा लगता है कि हो गई लेकिन बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कभी भी बिना जाने ट्राई मत कीजिए ये सब चीज, थ्रोटल इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी। इसमें कैलिब्रेशन भी नहीं दिया स्कैनर में, कहीं हल्के में ले रहे हो यही मिस्त्री घूमता है तो उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। हमने सेटिंग की, गाड़ी मजेदार हो गई, मस्त हो गई, लेकिन आप लोग ट्राई मत कीजिए उल्टे सीधे तरीके। मैं तरीका बताऊंगा एक बहुत बढ़िया रामबाण इलाज, उस तरीके से कीजिएगा। तो ये छोटा मोटा ब्लॉक था जो भैया परेशान थे, हालांकि कोई परेशानी की बात नहीं थी। ये मुझे लग रहा कि यदि नहीं करवाते तो ऐसे में सर्विस सेंटर वाले क्या करते, पूरा थ्रोटल बॉडी चेंज करते और वो है 5-6 हज़ार का। तो उस मिस्त्री ने सही बताया था थ्रोटल बॉडी चेंज कराने के लिए, लेकिन इसका सही समय रहते इलाज हो जाता है ना तो फिर कम दाम में 700-800 रुपये में ही कहानी बन जाती है। भैया से हम कम लेंगे, 500 रुपये लेंगे टोटल, ज़्यादा नहीं लेंगे हम, क्योंकि इस एक ने ए भी लगाया है, स्प्रे भी करी है और अपना मेहनताना भी, तो सब मिला के 500 रुपये आप दे देना, ठीक है। हाँ, खाली इनके लिए डिस्काउंट कर रहा हूँ मैं और बाकी काम के हिसाब से पैसे होते हैं। तो ठीक है, ओके, थैंक यू यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गाड़ी हो गई अच्छी इसलिए दिल खुश हो गया, तो थैंक यू।